हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो नवरात्रि का आज नौवा दिन है, तो जैसे 11-12 बजे से दशमी भी चढ़ जा रहा है, तो इसलिए मुझे 3 बजे ही जगना पड़ा, जगकर ताकि मैं 9 बजे से कन्याएं खिला दूं। तब जा कर के हम पूजा पाठ करने के बाद सब काम, मतलब झाड़ू पोछा नहाना धोना करने के बाद, पूजा रूम में जा कर के पूजा पाठ करने के बाद हवन ववन कर लिया, करने के बाद किचन में आ गई सारा, मतलब कि खीर पूड़ी, चने की सब्जी, हलवा, खीर पूड़ी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तब तक इतना बन चुका था। बनने के बाद में मतलब कन्याएं आ चुकी हैं, 8:30 बजे करीब में सारी कन्याएं आ गई थी। तो आने के बाद उन मतलब पैर धोए, पैर धोने के बाद पूछ करके सबको बैठाए, कलर की आलता लगाया। आलता लगाने को देखिए बेटी मतलब कि ये बांध रही है माथे पर, जय माता दी। और सबको मतलब आरती टीका करने के बाद मतलब खाना खिलाए, सब लोग बहुत अच्छे से खाना खाए, और बहुत प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट कन्याएं थी, बहुत देखकर अच्छा लग रहा था। हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब 4 साल से कर रही हूँ, और 4 साल से मैं 9 दिन का फास्टिंग रखती हूँ। और रखने के बाद देखिए मतलब कि बेटी लोग भी हेल्प कर रही है, मेरी दोनों बेटियाँ, बड़ी वाली बेटी तो 2 साल से नहीं थी, बाहर रहती है, इस बार आई है, तो बहुत मतलब आसान मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला। और ये मतलब खा, जब कंजिकाएँ खा ली तो मतलब कि खोइछा दिया जाता है, जैसे कुछ रख करके हैंकी में, या मतलब जैसे भी आप दे सकते हैं। तो मैं रुमाल में ही, जैसे चुन्नी में ही, मतलब सब कुछ करके मतलब बांध कर पैसे वगैरह मतलब देती हूँ, और प्रणाम किया सारी देवियों को, और सब देवियों ने मुझे बहुत अच्छा अच्छा आशीर्वाद दिया कि आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मुझे अगले साल बुलाइए। और सब ने जयकारा भी लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अंत तक देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और ये देखिए हमारी कंजिकाएं जा रही हैं घर बाय करके हमको, और हम लोग भी घर से बाहर, इतना दिखने में अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत एंजॉय हुआ हमारा। बोल दे दुर्गा माता की। और ये है हमारी दोनों बेटियां, जो अब कंजिकाएं जाने के बाद हम इन दोनों का भी मतलब सोचे कि पूजा पूजन कर लेते हैं, और इन दोनों को आरती उरती करके हम इन लोगों को भी खाना खिलाए अच्छे से, और इन लोगों को आरती दिखाते दिखाते समझा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और आप लोगों ने कैसे पूजन किया नवरात्रि के दिन, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके बाबा।